मैं अपना कोरोना का स्वयं का अनुभव थोड़ा साझा कर लेता हूँ सर। मुझे सर प्राकृतिक चिकित्सा और योग में काफी विश्वास रहा है सर। तो मैंने सर केवल आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था सर। उसके अलावा भंडारी साहब ने काफी कोशिश की कि मैं सीटी स्कैन कराऊं। तो मैंने उनको कहा मैं पहले प्रयास करता हूं, अगर कोई आवश्यकता होगी तो ही कराऊंगा। उसके बाद में सर मैंने जो मुख्य रूप से अपने आप को ठीक करने के लिए सर जो पिछले कुछ सालों में सीखा है, हमें सर मेन कोरोना में जो समस्या आती है एक तो नाक में सर और गले में और लंग्स में होती है सर। पहले सर नाक से और गले से ये प्रवेश करके लंग्स में फिर कठिनाई पैदा करता है सर। तो उसके लिए सर हमने एक प्राकृतिक क्रिया है सर कुंजल, उसको लगातार पूरे 14 दिन तक किया सर, अभी भी लगातार कर रहा हूं सर। कुंजल में सर भूखे पेट सुबह है नींबू के जो निवाया पानी होता है सर, ल्यूक वार्म वाटर, नींबू और नमक डाल के 6-7 गिलास पिया जाता है, फिर उल्टी करके बाहर निकालते हैं सर। तो जिससे सारा शरीर का कफ जो अंदर होता है सर वो, और नाक के छिद्र और गला है सर वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है सर। दूसरी सर जो प्राकृतिक क्रिया है जल नेति क्रिया सर, जिसमें सर नाक के एक छिद्र से दूसरे छिद्र में निवाया पानी नमक के साथ में सर उसका प्रयोग करते हैं सर। तो ये दिन में 4 बार करता था सर मैं, कुंजल एक बार सुबह भूखे पेट सर, और 4 बार जल नेति क्रिया सर। और जल नेति के बाद में प्राणायाम करना आवश्यक होता है सर, जिससे कि अलग अलग जो प्राणायाम है उससे चाहे लंग्स में हो सर या नाक में हो या गले में हो, कोई भी प्रकार का वायरस है सर जिसके कारण कफ हुआ है तो उसको बाहर निकाला जा सके सर। तो ये तो प्राकृतिक क्रिया के रूप में सर लगातार मैंने 13-14 दिन किया था सर। मुझे भी बुखार आया था सर, 16 तारीख को बुखार आया था और 19 तारीख को बुखार समाप्त हुआ था सर। पर मुझे इसमें विश्वास था। तो सर हमने दूसरा जो इसका है आहार चिकित्सा है सर, कि हम आहार में क्या चीज लेते हैं, घर का जो आहार है सर उसमें ऐसी क्या चीजें सम्मिलित करें जिससे कि उससे बुखार टूट भी जाए सर। उसमें एक तो कैर का उपयोग सर, जो राजस्थान की वनस्पति है, कैर को सर उबाल के उसमें सर हल्का सा जो नींबू है सर और थोड़ा सा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए मिर्च और वो डाल देते हैं सर। तो कैर को दिन में 3 से 4 बार लेते थे सर, उससे बुखार टूटने में बहुत मदद मिलती है सर। ये भी एक प्राकृतिक उपयोग है सर। इसके अलावा सर जो दोनों नाक के छिद्र है इसमें सर जो घी होता है उसको गर्म करके चम्मच में लगातार सर हर प्राणायाम के बाद में नेसल छिद्र में डालने से सर कोई भी प्रकार का जो है सर कफ उसमें रहता नहीं है सर, वो क्लियर हो जाते हैं तो ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सर। और हर खाने के बाद में सर नींबू को सर काट के सर उसको काली मिर्च के साथ हल्का सा गर्म करके लेने से सर गला जो है सर उसमें कोई भी प्रकार का कठिनाई नहीं आती है सर, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है और वो कफ को है समाप्त कर देता है सर। इसके अलावा सर जो घरेलू उपचार है सर, जैसे फिटकरी का सर फूला है सर, जिससे कि फिटकरी के फूले को लेने से सर गला जो है और 2-3 दिन में सर वो पूरा क्लियर हो जाता है, कितना ही उसमें ब्रीथिंग में कठिनाई हो या गले में हो वो साफ हो जाता है। इसी प्रकार से सर जो दूसरे है सर, जैसे अपन हल्दी का अदरक का और इसका इस्तेमाल करते हैं सर, तो हल्दी का सर जैसे कहा जाता है पुरानी से पुरानी खांसी हो उसको सर अगर 1 चम्मच अंदर रखे सर सीधा गले में उतार दिया जाए सर पानी के साथ में, तो या उसको 1 चम्मच रख के सर 10 मिनट तक सर कुछ भी नहीं लिया जाए तो उससे जैसी भी खांसी होती है वो तुरंत ठीक हो जाती है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाती है सर। तो इन सब का प्रयोग किया सर और मुझे खुद को सर, मेरे धर्मपत्नी को भी हुआ सर, उन्होंने भी बिल्कुल यही चिकित्सा ली सर और बिल्कुल ठीक हो गए थे सर। और इसका सबसे अच्छा फायदा जो है सर पोस्ट कोविड कुछ भी नहीं हुआ सर, हमें सर कभी लगा ही नहीं सर कि पोस्ट कोविड में कोई कठिनाई होती है, क्योंकि कोई दवाई नहीं खानी पड़ी सर और कोई इलाज उसके अलावा नहीं लेना पड़ा सर। लेकिन ये भी जरूरी है कि सावधानी जरूरी है सर, अगर किसी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो नियंत्रण में नहीं आ रहे हो तो उसमें रोग का उपचार भी करना चाहिए, क्योंकि इस वायरस के बारे में हम सभी लोग नया नया रोज देखते हैं सर, तो सावधानी भी जरूरी है सर। लेकिन मेरा स्वयं का मानना है सर कि इसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग का बहुत अच्छा महत्व है सर। लंग्स की कैपेसिटी है बढ़ाने में प्राणायाम बहुत मदद करता है सर, उसको अगर रेगुलर करते हैं तो उसमें लंग्स तक ये इन्फेक्शन नहीं जाता है सर। बाकी सर इसके अलावा सर जो आयुर्वेद का सर जो स्ट्रक्चर है सर, राजस्थान में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है सर और कोविड में काफी काम भी कर रहे हैं सर, लेकिन सर कई लोगों को आजकल सर वो तत्काल चाहिए होता है कि उसका लाभ मिले और उसकी जानकारी नहीं होती है सर। जानकारी सर ये एक मौका है सर, कि इस त्रासदी में सर एक अपॉर्चुनिटी है कि आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को या यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथी को सर
इसको आगे अगर बढ़ा सकते हैं, इस समय लोग हैं इसको अपना सकते हैं, जीवन शैली में भी बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ सर ये जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। तो यदि ये मौका है सर इन सभी विभागों के पास में, अगर वो आम जनता में इसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे सर, जीवन शैली के नाम पे, आहार चर्या के नाम पे सर, ऋतुचर्या के नाम पर अगर इसको बढ़ावा दे सकते हैं तो वो काफी मदद करेगा सर, और इससे आने वाले समय में सर प्राकृतिक चिकित्सा पे और पुरानी पद्धतियों पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा सर।